नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग की जर्नी से अगर दोस्तों आप पैसे कमाना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, दोस्तों मैंने ये 10 चीजें आपके लिए बिल्कुल गिन के रखी हुई हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इनको ए टू जेड आपको समझाने वाला हूँ। ये 10 चीजें आपको ट्रेडर बनने के लिए क्यों जरूरी है, और अगर ये 10 चीज आपके पास में आती है तो आपको दोस्तों ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को बनाते हुए दोस्तों मेरा कोई कैच नहीं है, सिर्फ एक ये कैच है कि आपको ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। अगर इनमें से कोई सी भी ऐसी चीज है जो कि आपने मिस कर दी, फिर आपको वो चीज नहीं आती है, तो आई थिंक दोस्तों कि आपको चीज फिर से सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों नंबर वन पे हमारे पास में आती है मनी मैनेजमेंट। अब दोस्तों देखो, मनी मैनेजमेंट हमारे पास में होता क्या है। देखो काफी सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि बिगनर्स हैं, उनको सिर्फ ट्रेडिंग की हवा लगा देते हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे लोग हैं टेलीग्राम से जाकर के दोस्तों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको दोस्तों सिर्फ लालच होता है पैसे कमाने का, और ऐसे दोस्तों इनको बढ़ावा देने का काम करते हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स दोस्तों ट्रेडिंग को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, पोजीशन बनाएंगे और आपके एक ही दिन में प्रॉफिट हो जाएगा, एक ही महीने में प्रॉफिट हो जाएगा। और कुछ दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी है, होते हैं ये ब्रेन वॉश हो जाते हैं उन लोगों से, और ये सोचते हैं कि हम भी ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं, भी अपना पैसा लगा देते हैं। अब क्योंकि उनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता होता है, तो जैसे दोस्तों वे पैसा लगाते हैं मार्केट में, मार्केट उनसे उनका सारा का सारा पैसा छीन लेता है। और उसके बाद में दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, इसी पैसों को रिकवर करने के चक्कर में फिर से कुछ ऐसे टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं, 10,000 रुपए का नुकसान करके बैठ चुका हूं। अगर आपको करना है तो मैं ये कोर्स है मेरा, इसको खरीद ले, ये 20,000 रुपए का कोर्स है ट्रेडिंग का, इसको खरीदेगा सीख जाएगा और फिर इसकी ट्रेडिंग करियो। तो दोस्तों घुमा फिरा के वही करते हैं, और ये लोगों के पास में दोस्तों कोई भी माइंडसेट नहीं होता मनी का, मनी मैनेज करना दोस्तों इनको बिल्कुल भी नहीं आता। इसी चक्कर से ना तो ये लोग ट्रेडर बन पाते, ना ही इनके पास में पैसा आ पाता, क्योंकि ये लोग दोस्तों लालची होते हैं, ट्रेडिंग को नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, ट्रेडिंग भी इनको नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव से ही देखता है और इनको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं देता। और देखने में दोस्तों ये भी आता है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, लोन पे जाते हैं, लोन पे दोस्तों पैसा लेके आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं लोन के पैसों से, और दोस्तों उसमें देखा यह जाता है कि ऑलमोस्ट मैं लगभग 90% ये मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे जो पैसे वे लोन पे लेके आए थे, इनके सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। अब दोस्तों इनके पास में कोई भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं हो पाता, दो तरीके से इनके ऊपर डेब्ट चढ़ता है, एक तो दोस्तों इनका बैंक से इन्होंने जो लोन लिया था वो इनके ऊपर डेब्ट चढ़ेगा, सेकंड दोस्तों जो इनकी खुद की पर्सनल कैपिटल होती है वो भी उस मार्केट में लगी हुई होती है, और वो भी दोस्तों मार्केट इनसे छीन के ले जाते हैं, इनके पास में टोटल मिला के कुछ नहीं बचता। तो ये दोस्तों आपको नंबर वन चीज यहाँ पे आनी चाहिए कि आपका मनी मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर सेकंड पे दोस्तों आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर आप देखोगे तो एक दूसरे से चीजें लिंक्ड है। मान लो दोस्तों आपके पास में कैपिटल है यहाँ पे 1,00,000 रुपए का, और आप दोस्तों 1,00,000 रुपए से शुरुआत करते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी की, ऐसे में दोस्तों क्या होता है, आपने पूरा का पूरा पैसा जो है अपने ट्रेडिंग में लगा दिया। तो मान लो दोस्तों ऐसी मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, आपका जो पैसा है सारा का सारा दोस्तों यहाँ पे डूब गया, क्योंकि आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट का जो सिस्टम था नहीं था, ना तो आपने दोस्तों सीखा कहीं से, इस वजह से दोस्तों आपका यहाँ पे नुकसान हो गया। अब वहीं अगर आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आपने सीखा होता, तो दोस्तों आपको पता होता कि अगर मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए से शुरुआत कर रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग की, मुझे यहाँ पे पता है कि मेरा जो रिस्क है पैसे को खोने का और पैसे को पाने का वो कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने 1,00,000 रुपए से शुरुआत की ट्रेडिंग की, अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, आपने मार्केट को बोला 10,000 रुपए का जो कैपिटल है मेरा, मैं उसको लूज करने के लिए तैयार हूँ, मैं मार्केट में बना रहूंगा। इसी फैक्टर को दोस्तों आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं कि रिस्क कितना है पैसे को खोने की और पैसे को पाने की, ठीक है दोस्तों आप बोलते हैं ना। तो दोस्तों अगर आपने 100% अपना कैपिटल यहाँ पे लगाया, एग्जांपल आपने 1,00,000 रुपए लगा दिए, मार्केट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया, और जैसे आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया आपका पैसा दोस्तों यहाँ पे लूज हो गया। तो ये भी एक स्किल है जो कि आपको आनी चाहिए एज अगर आप ट्रेडर यहाँ पे बनना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पे बना के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वीडियोस पे वीडियोस ऐसे आपके लिए बनाता रहूं। दोस्तों ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजों यहाँ पे आनी चाहिए, नंबर 3 दोस्तों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए चार्ट पैटर्न्स। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं अगर आप स्पेशली बिगनर्स की कैटेगरीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप बिगनर्स की कैटेगरीज में हैं और आपको दोस्तों यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो दोस्तों आप इंडिविजुअल जो कैंडल्स होती हैं, तो मारुबोजू हो गई, शूटिंग स्टार हो गई, मारुबोजू हो गई, आपका हैमर हो गया, तो टोटल मिला के बहुत सारे ऐसे दोस्तों कैंडल्स होते हैं हमारे मार्केट में, सबको दोस्तों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम दोस्तों आप यहाँ पे 50% अगर कैंडल के बारे में जान गए, जो कि मेन कैंडल्स हैं उनके बारे में अगर आप जान गए, तो आपको दोस्तों यहाँ पे काम हो जाएगा। आपके जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे दोस्तों बनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों जो चार्ट पैटर्न है वो आज यहाँ पे बना, और उसके दोस्तों 15 मिनट के बाद ही दोस्तों वही वाला चार्ट पैटर्न जो कि 15 मिनट पहले बना था, सेम पैटर्न दोस्तों 15 मिनट के बाद बन गया। ऐसा भी होता है मार्केट में बहुत बार, क्योंकि उसमें हमारी जो है ना कंफर्मेशन हमें उसमें फुल मिल जाती है, यार यही वाला जो चार्ट पैटर्न है इसमें मुझे अभी इतने पैसे कमा के दे, हो सकता है इन फ्यूचर ये मुझे और ज्यादा पैसे कमा के दे सकता है। नंबर 4 पे दोस्तों आता है आपका टेक्निकल
एनालिसिस। अब दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और अगर दोस्तों आपने इस एक स्किल को सीख लिया जो कि टेक्निकल एनालिसिस, यही वाली स्किल दोस्तों आपको पांच जगह पे काम आने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें दोस्तों आपका इंडिविजुअल स्टॉक को पिकअप करने में दोस्तों आपका काम आएगा। दूसरा दोस्तों अगर आप डेरिवेटिव में दोस्तों अपनी ट्रेडिंग करते हैं उसको एनालिसिस करने में आपकी मदद करेगा। तीसरी दोस्तों यहाँ पे आती है इंट्राडे, अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं मार्केट खुलता है, मार्केट के बंद होने से पहले पहले आपको वो चीज बेचनी होती है, उसमें दोस्तों आपको काम आएगा टेक्निकल एनालिसिस। चौथा दोस्तों आपको यहाँ पे काम आने वाला है कि दोस्तों ऑप्शन में, अगर आप दोस्तों ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे भी दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस काम आने वाला है। ऐसा मत समझना कि यार टेक्निकल एनालिसिस जो है फ्यूचर में कोई काम नहीं आता या फिर ऑप्शन में कोई काम नहीं आता, आता जरूर है ठीक है, लेकिन बस आपको पता नहीं है, इसी वजह से आप दोस्तों यहाँ पे पैसे नहीं कमाते हैं। पांचवा दोस्तों हमारा बचता है फ्यूचर्स में, अगर आप दोस्तों फ्यूचर में अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे भी दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस काम आने वाला है। एक स्किल जो कि टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको पांच जगहों पे काम आने वाली है दोस्तों, ये आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ आपको वैसे जानना क्या क्या पड़ेगा। देखो इंडिविजुअल स्टॉक अगर आप पिकअप करते हैं मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं कि उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, उसमें लायबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितने हैं, परफॉर्मेंस कितना रहा है, पांच साल के आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, आपको उससे भी आइडिया हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आइडिया आता है कि उसकी जो सेल्स है वो कितनी हो रही है, बिक भी रही है या फिर बस हवा में लिख रखा है। इस वजह से दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर पांच पे दोस्तों आपका आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई नो दोस्तों कि आप बोलोगे कि यार ये तो बिगनर वाली चीज है, बिगनर को ही तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो दोस्तों ऐसी चीज होती है जो कि छोटी छोटी चीज होती है और आपको इसी छोटी छोटी चीजों से कोई फायदा नहीं मिलता सिर्फ छोटी चीज की वजह से। काफी सारे दोस्तों जो ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल शुरुआत में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब वे ड्रॉ कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता दोस्तों कि कहाँ पे एग्जैक्ट बनेगा हमारा सपोर्ट और कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप आए, आपने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया और मान लो दोस्तों सपोर्ट यहाँ पे ना बनके यहाँ पे बन रहा होता था, लेकिन आपने तो यहाँ पे बना रखा था। अब इसी डायरेक्शन में दोस्तों आपकी जो सेंटिमेंट है मार्केट में गलत बन गई, आपका जो दोस्तों टारगेट होना चाहिए था पैसे को कमाने का वो कम हो गया। तो इसलिए दोस्तों आपको सपोर्ट के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाऊंगा और कब लगाऊंगा। नंबर सिक्स दोस्तों आती है हमारी प्री मार्केट एनालिसिस। अब ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि दोस्तों आपका कल एक एग्जाम है, एग्जाम से पहले जो आप तैयारी करते हैं, तो आप दोस्तों रट्टा मारते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले की जो तैयारी होती है वही दोस्तों हमारी प्री मार्केट एनालिसिस होती है। जो हमारे पिछले दिन का जो ट्रेडिंग था आप उसको दोस्तों एनालिसिस करते हैं कि मार्केट अगर मेरा ऊपर जा रहा था तो आज किस डायरेक्शन में जा सकता है, हो सकता है आज मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है, हो सकता है आज जो मार्केट है वो मेरा ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, यही दोस्तों जरूरी होता है। जैसे कि दोस्तों आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, ट्रेडिंग में भी दोस्तों आपको एग्जाम से यानी कि जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे एक दिन पहले की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर सेवन पोस्ट मार्केट एनालिसिस। प्री मार्केट एनालिसिस तो दोस्तों ये हो गया कि आपने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ा, पोस्ट मार्केट एनालिसिस दोस्तों ये आपका ये होता है कि मैंने एग्जाम तो कर लिया, अब एग्जाम करने के बाद में आप उस एग्जाम को घर पे आके देख रहे हो कि यार मेरा कौन से क्वेश्चन ठीक थे, कौन से क्वेश्चन यहाँ पे गलत थे। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपने पोजिशन बना ली, यहाँ पे पोजिशन बनाने के बाद में दोस्तों मार्केट तो हमारा खत्म हो गया, अब मार्केट जैसे ही खत्म हुआ उसके बारे में पढ़ने लग गए, अच्छा यार मैंने आज यहाँ पे 12:00 पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी और जैसे ही 1:00 मैंने उसको बेच दिया, मार्केट में आज मैं 15 मिनट तक बना रहा और 15 मिनट के बनने के बाद में मैंने इतने पैसे यहाँ पे कमाए या फिर मेरे इतने पैसे यहाँ पे नुकसान हो गए, अगली तारीख में मैं क्या कैसे परफॉर्मेंस करूंगा, उसको दिमाग में रखते हुए आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं तो आप एक बेटर ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं और उन जो पिद्दी जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे दोस्तों आप अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। 8 दोस्तों आपका आता है ऑप्शन ग्रीक्स। अब ऑप्शन ग्रीक्स दोस्तों आपको हल्के से यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग में दोस्तों एक टर्म आती है यहाँ पे थीटा। थीटा दोस्तों आपका बहुत ही ज्यादा पैसा खाता है, आपने ऐसा सुना होगा, ये फिर अगर दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपने काफी बार देखा भी होगा जो थीटा होता है आपका बहुत ज्यादा पैसा खा जाता है। अब दोस्तों ऐसा वो करता क्यों है, देखो मार्केट अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा होगा, क्योंकि दोस्तों किसी ने उस स्टॉक को बेचा है तो तब जाकर के दोस्तों आपको वो स्टॉक मिला है। अब क्योंकि आपको ना वो चीज खरीदते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जा रहा होता है तो मुनाफा कमा के दे रहा होता है तो भी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारा थीटा है वो हमारे हल्के फुल्के यहाँ पे पैसे खाता है। अगर हमारा डीप इन द मनी में पैसा चला जाता है, लेट्स से आपने ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदा और इस स्ट्राइक प्राइस के बाद में आपका डीप इन द मनी में आपका पैसा चला गया, तो यहाँ पे जाकर के हमारा जो थीटा है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है अब बहुत दूर जा चुका है। लेकिन अगर यही पैसा आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव में जा रहा है, डायरेक्शन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पे दोस्तों थीटा भी आपसे पैसा खाएगा
और आपका जो मार्केट है जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां से भी आपका पैसा खाएगा। नंबर 9 वो मार्केट का सेंटिमेंट, कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है पूरा बदल जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब मोदी आया उठ के, मोदी ने दोस्तों आपको बोल दिया कि आज से 2000 के नोट भी बंद हो जाएंगे और इंडिया में नहीं चलेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेगा। अब 2000 के नोट दोस्तों लीगल टेंडर नहीं रहेगा इंडिया के अंदर, तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत भारी भड़काव आ सकता है और मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो सकता है, नीचे डायरेक्शन में जा सकता है। लेट्स से दोस्तों आपने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की भी थी, जैसे ही आपने की, आपको तो पता नहीं न्यूज के बारे में, आपके डायरेक्शन से नीचे नीचे जाने लगा, सोच रहे यार ये हो क्या रहा है, मेरा तो पूरा का पूरा यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मार्केट के मैंने मनी मैनेजमेंट का भी देखा है, यहाँ पे चार्ट भी मेरा ठीक था, पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी मैंने किया हुआ है, प्री मार्केट एनालिसिस भी मैंने किया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस भी किया हुआ है, सपोर्ट भी ठीक बना रखा है, रेजिस्टेंस भी ठीक बना रखा है, लेकिन मेरा पैसे यहाँ पे बन क्यों नहीं रही, ये नीचे क्यों जा रहा है। तो दोस्तों यही होता है अगर मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है वो हर्ट हो जाता है, हर्ट होने के बाद में दोस्तों वो नीचे चले जाता है। नंबर 10 और दोस्तों फाइनल हमारा ये आता है कि आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, आप यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मेक योर ओन स्ट्रेटजीज इन ट्रेडिंग, क्योंकि आपको खुद की एक स्ट्रेटजीज में, जब आप खुद की स्ट्रेटजीज बनाओगे तो आपको एक अलग ही मजा आएगा। अब अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाने का दोस्तों फायदा यही होता है, उससे ना खुद ही ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में आ जाएंगे, क्योंकि वो जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज है वो खुद आप ही ने तो बनाई है, आप अपने ही रूल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी दोस्तों ये वाली वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने ही वाले हैं, बस 160 सब्सक्राइबर्स मेरे रह चुके हैं, उसको कंप्लीट करवाने में जल्दी से जल्दी आप मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अमेजिंग टॉपिक के साथ, बाय बाय, नमस्ते।